आज मेरी फिरदौस बहन आज क्या बना रही हो? आज खाने में ये शेख अभी तेरे साथ बैठा हुआ है, ये मियाँ शहबाज की फैमिली भी आपके पास है, ये आपके बच्चे सारे आपके पास बैठे हुए हैं। आप आइए फिरदौस, खाने के लिए मुझे भी कुछ दो, आपकी मेहरबानी होगी। हाँ, मैं तो इसी तरह खाता हूँ ना, जिधर से कोई खाना मिल जाए। ये शेख अभी आज मेरे ख्याल में तेरे खाने की कोई खुशबू इसको आई है, ये भी इधर आ कर तेरे पास आकर बैठा हुआ है, मुझे भी थोड़ा सा दो या आपकी मेहरबानी होगी। आपा फिर दोस्त हाँ हाँ भाजी, फिर दो इसको दे, ये दड़ेल बैठा हुआ है, इस डीजल का और तो काम ही नहीं है, जिधर कोई धुआं नजर आता है उधर जाकर बैठ जाता है ना, ये इधर का ना उधर का, इसकी की अपनी हालत ही नहीं है। पता नहीं घर में भी इसको अपनी बीवी कैसे देती होगी, बस किसी से खाना किसी से लेना, बस इधर की कभी उधर हो गया कभी इधर हो गया, कभी किसी वजीर के साथ कभी किसी हुकूमत के साथ। दे इसको एक रोटी का टुकड़ा दे और इसको डंडा लेकर पीछे से दौड़ा ताकि ये मुड़कर पीछे ना देखे। हाँ बना खाला, आपा मुझे दे थोड़ा सा रोटी, ये शहबाज़ अभी तेरे सिर के ऊपर खड़ा हुआ है, मेरे ख्याल में मांगने वाली इनकी हालत विद फैमिली हो गई है। ये सारी टीम आपके पास, मरियम भी बैठी हुई है और ये साथ भी सारे बैठे हुए हैं, ये नारा बानी खार भी। हाँ बाजी फिरदौस, मेहरबानी करके ये मेरे चाचा जान आ ऊपर, कब से भूखे हैं, बड़े दिनों से इनको कुछ खाना नहीं मिल रहा है। पहले इनको कोई रोटी आप उतारती हैं तो तवे से तो थोड़ी सी इनको भी दे दें। देखो ना कैसे यतीमों की तरह मुंह के ऊपर मेरे चाचा के 12 बजे हुए हैं। हम तो इनको बोला भी था कि किसी के साथ पंगा मत लो, आपने जरदारी की बात मानी है, जरदारी ने आपको आगे करके अभी सिवाय बेइज्जती के अलावा कुछ भी नहीं हुई। ये देखो ना मौलाना डीजल भी साथ बैठा हुआ है, ये तो पीछे खड़ा होकर तालियां लगाता है, बस इसको गाड़ियां दे दो बंगले दे दो तो फिर ये तो ठीक होता है। अरे बेटी तो हमारी हो रही है ना प्यारी खाला, अभी थोड़ी सी रोटी इनको दे दें, तभी भूख से मेरे चाचा जान मार रहे हैं, फिर उसके बाद हमें देना। ये शेख अभी आपके पास बैठा हुआ है, ये नार पानी खार भी हमारे पास आई है, आप भाजी फिरदौस थोड़ा सा हमें दे दें पहले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। हाँ भाजी फिरदौस, थोड़ा सा मुझे भी खाना पहले दें, ये शेख तो फिर फुल रजा हुआ है, देखो ना अभी मेरा शक्ल का काली स्याह हो गई है, मौलाना डीजल आपके सर के ऊपर बैठ कर पीटियाँ कर रहा है, मैं तो कब से हम भूखे हैं। ये मेरी बेटी मरियम जो है ठीक कह रही है, कब से हम भूखे हैं, ये सरदारी पार्टी ने तो हमें भूखा भूखों से मार दिया है, हमें आगे करके खुद पीछे हो जाता है। अभी हमें आपके खाने की खुशबू आ रही थी, चलो हम चलते हैं कि फिरदौस बाजी के पास, मेहरबानी करके खाना थोड़ा सा मुझे भी दे दें। कभी ये सुना है कि ये शहबाज शरीफ खादिम आला जी? हाँ हाँ दे बाजी दे, ये देखो ना इनके मुंह पर 12 बजे हैं, हमने इनको बड़ा कहा था कि इनके खान से टक्कर मत लें, सरदारी आपको आगे कर रहे हैं, ये इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी है। अभी देखो ये तीनों की तरह पूरी खानदान ने मुंह निकाला हुआ है, इधर इनके वो बड़े भाई मियां नवाज वो लंदन में बैठे कानून चला रहे हैं, तो इधर ये इनके खानदान भूख से मार रहा है, बस आगे कर देते हैं। दे इनको बाजी फिर तो पहले खाना इनको दे, कोई इनकी पेट के अंदर जाए, इनको शर्म आए। कैसा लगा मेरा मजाक? प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के आल के बटन को जरूर प्रेस करें। यह एक फनी का किस्सा थी, पार्टी के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है, जस्ट फॉर फन।